एक क्विक वीडियो रहेगा। ये हमारे पास में ऑडी Q7 है, 2011, 12, 13, 14 में जो मॉडल आया करता था वो वाला हेडलाइट है। ये ब्रांड न्यू हेडलाइट है, गाड़ी से निकला हुआ। क्लाइंट ने हमें भेजा है कई और शहर से, तो हम इसको कस्टमाइजेशन करके हम वापस भेजेंगे। तो देखिए, कोई जो होते हैं क्लाइंट्स जो हमारे पास यहाँ नहीं पहुँच पाते, नागपुर में नहीं आप गाड़ी लेके आ सकते हो, अगर आप कहीं दूर हो, आपको अगर प्रॉपर सर्विस चाहिए, जो मैं काम करता हूँ इसके अंदर में, जिसको हम अपग्रेडेशन बोलते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा लोग, मैं बताता हूँ आपको एग्जाम्पल के तौर पर क्या करते हैं। तो इसमें क्या होता है काफ़ी ज़्यादा, तो ये देखिए, ये जो प्रोजेक्टर लेंस है, ये फैक्ट्री फिटेड प्रोजेक्टर लेंस आता है, ठीक है। ये इस टाइप की प्रोजेक्टर लेंस आती है। तो ये जो प्रोजेक्टर लेंस है ना, कुछ साल बाद ख़राब हो जाते हैं, राइट। तो काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं ना, वो क्या इसमें इतना एक्सपेरिमेंट कर डालते हैं। मैं तो गाड़ियों में वीडियो बनाता हूँ, अब तो मैं हेडलाइट में बना रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी कम ज़्यादा कम वीडियो मिलते हैं आपको इंडिया में देखने के लिए ऑडी Q7 के रिलेटेड। इसके अंदर में कस्टम इचिंग की गई है, ये जो आपको हनीकॉम डिज़ाइन मिल रहा है। आपको अगर इसकी जगह कुछ भी चाहिए, अगर आप पे ऐसा ऑडी लिख के चाहिए, ऑडी का लोगो चाहिए, बांगड़ी बनी हुई अगर चाहिए, कुछ भी अगर आपको लिखना हो, तो कस्टम मेड हो, हम लोग करा के दे देंगे उसको, तो ठीक है। तो अपग्रेडेशन का मतलब क्यों, इसका सीधा सीधा सोल्यूशन यही होता है, ये जो प्रोजेक्टर लेंस है ना, ये ख़राब होने के बाद में काफ़ी ज़्यादा लोग इस पर एक्सपेरिमेंट इस टाइप का करते हैं। इसका ये बल्ब निकाल के इसके अंदर में आप LED बल्ब लगा दो। मार्केट में काफ़ी ज़्यादा आजकल LED बल्ब का ट्रेंड चल रहा है। तो ये प्रोजेक्टर एक्चुअली बना ही नहीं है, राइट। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये प्रोजेक्टर लेंस बना ही नहीं है LED के लिए। तो आप ये वाला बल्ब निकाल के इसके अंदर में आप ये कौन सा LED वाला बल्ब लगा देते हो, D3 इसका बल्ब आता है, उसमें आप वो निकाल के ये वाला इसमें LED बल्ब लगाते हो। लेकिन क्या आपको पता है कि इसका जी इसकी जो बॉडी होती है, बॉडी उतर जाती है, और आप इसका लेंस देखो, ये ब्लर लेंस है। ये लाइट उतनी ही फेंक पाता है जिसको कंपनी को देना पड़ता है। ये 2-3 साल तक इसकी लाइट अच्छी गिरती है, फिर आप लोग क्या करते हो, इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हो और बहुत सारे बल्ब लगा देते हो, फिर आप इसके अंदर में D2 की HID किट लगा देते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसके आउटपुट नहीं फेंकी जाती इसमें। तो इसलिए हम लोग ये प्रोजेक्टर लेंस का अपग्रेडेशन करते हैं। ये इसके अंदर में हिले की प्रोजेक्टर लेंस लगी हुई है, और मैं तो ज़्यादातर ये सजेशन करता हूँ कि गाड़ी का हाइट बहुत ज़्यादा बड़ा है, गाड़ी बहुत लंबी होने के कारण बड़ी भी है, तो इसके कारण यही प्रोजेक्टर लेंसेज जो होते हैं वो सक्सेस होते हैं। आप ये बॉडी को कस्टम पेंट भी करा सकते हो, रेड बोलो, ब्राउन बोलो, जैसा वो वाले हेडलाइट में ब्राउन चल रहा है, तो ये रेड कर सकते हैं, ब्राउन कर सकते हैं, अगर आपको नॉर्मल सिल्वर रखना है वो भी कर सकते हैं, ब्लैक बॉडी चाहिए तो वो भी मिल सकती है। तो हम लोग इसके अंदर में जो है आपको 2 HID किट का प्रोवाइडेशन दे सकते हैं, एक जो होता है D2S और दूसरा होता है D2H। D2S में क्या है, D2S के अंदर में आपको बल्ब अलग से लगेगा, उसके अंदर पीछे में एक कनेक्टर लगता है, होल्डर लगता है, फिर आपका बैलेंस लगेगा, कैनवस बैलेंस भी आप लगा सकते हो, सादा ब्लास्ट लगाओगे वो भी चलता है, लेकिन बस आपके मीटर में सिग्नल देना, अब इतनी बड़ी गाड़ी आपको तो सिग्नल चाहिए नहीं, तो आप कैनवस का बैलेंस आप इस्तेमाल कर सकते हो उसके। अच्छे से प्रोजेक्टर लेंस जो है, अभी देखो क्या है, ये पूरा कंप्लीट प्लग एंड प्ले रहेगा, ये हेडलाइट हमको बाहर से मिली है, मैं इसके अंदर में ये कस्टमाइजेशन करूँगा पूरी की तो पूरी तरीके से। देखो इसकी मेरी ओपनिंग देखो, अपन एकदम प्रॉपर इसकी ओपनिंग वगैरह करके इसके अंदर में मैं आपको सीलेंट लगा के, मैं आपको ये फिटिंग करा के आपको भेज दूंगा। ये रहेगा पूरा कंप्लीट प्लग एंड प्ले। देखो हेडलाइट लगने के बाद में कितना प्यारा लगता है, लेंस वगैरह क्लीनिंग वगैरह हो जाएगा अच्छी तरीके से। देखो बॉडी इसकी, अब देखो वो अच्छा दिख रहा है, वो आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। ये रहेगा पूरा कंप्लीट प्लग एंड प्ले, मतलब आप पूरा नाइट लाइट मेरे को भेज दो, मैं उसके अंदर में कस्टम बिल्ड करके आपको भेज दूंगा। बस यही कपलर जो है पुराना निकालोगे वही लगाओगे, बस यही है। आप कहीं से भी अगर रहोगे, कोई भी सिटी से, आप हमें हेडलाइट भेज दो, फिर उसके बाद में मैं आपको कस्टमाइजेशन करके। हमारी Q7 जो है रेडी हो चुकी है, देख सकते हैं आप, हनीकॉम प्रोजेक्टर लेंसेज लगा है इसके अंदर में, और इसकी खास बात ये है कि ये पूरी कपलर टू कपलर रहेगी। देखिए मैं कपलर पे सिर्फ एक पिन इंसर्ट करके आपको मैं एक क्विक रिव्यू दिखाऊंगा चलता कैसा है। बलास्ट वगैरह सब इसके पीछे डाला हुआ है, ये खोल नहीं सकता मैं, समझ सकते हो आप लोग। तो ये पूरा पैक हो गया है आपका, DRL वगैरह का वायरिंग इंस्टॉलेशन हो गया पूरा है, ये पूरी ओके हो गई हेडलाइट की सीलेंट। अब देखिए सीलेंट में क्या है, ये क्लाइंट के पास में जब हेडलाइट थी तब तो इसके अंदर में पानी जाता था, तो किसी लोकल मैकेनिक ने इसके ऊपर से सिलिकॉन निकाल दिया, लेकिन हम लोगों ने वो हटा के अभी हमारा वाला सिलिकॉन लगाया, तो हम वो ऊपर से वगैरह नहीं लगाते, वो बॉडी टू बॉडी सील होती है, कम से कम 3 से 4 दिन लगते हैं इसका पूरा का पूरा सील पैक होने में, ताकि उसके बाद में हम चेक करके पानी धूल मिट्टी तो नहीं जाती है। अभी ये ओके हो गई है, ये रेडी टू डिलीवरी प्रोडक्ट है, तो अभी मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ। देखो मैं सिर्फ पीछे से ही पिन लगाऊंगा, कुछ भी नहीं करूँगा मैं, वो पीछे के पिन से ही स्टार्ट हो जाएंगी। देखो मैंने सिर्फ पीछे से कपलर इसको इंसर्ट किया है, ये स्टार्ट हो गई। अब मैं इसका हाई बीम लो बीम भी अगर आपको चला के दिखाता हूँ,
डिफ्लेक्टर लेंस ऑन होगी। ये देखिए हाई बीम लो बीम करेगा, कुछ नहीं बस ये आप हेडलाइट अब ले जाके आप अपनी गाड़ी में इंस्टॉलेशन कर सकते हो आराम से, कोई टेंशन नहीं कोई चीज़ नहीं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।